हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10 के विद्युत धारा पाठ की है। तो आज हम आप सभी को विद्युत धारा पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पाठ का नाम है। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चों, विद्युत धारा हमको आज पढ़नी है। विद्युत धारा का अगर आप प्रयोग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, तो बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है हमारे भौतिक जीवन में कि हम बता नहीं सकते। मतलब कि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमको वहां सबसे जरूरी जो चीज चाहिए रहती है वो क्या रहती है? विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा या विद्युत बोल सकते हो आप। अगर हमको कपड़े प्रेस करना है तो वहां भी विद्युत धारा चाहिए। अगर हमको जमीन से पानी निकालना है, समरसेबल लगा है, तो वहां भी विद्युत धारा चाहिए, ठीक है। अगर हमको हीट चाहिए तो वहां भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं, विद्युत हीटर का यूज करते हैं, तो वहां भी हमको विद्युत धारा चाहिए। मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमको सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो कौन सी है? विद्युत धारा। तो इस वजह से हमको ये पढ़ना है कि विद्युत धारा होती क्या है, इसको हमको समझना है। तो बच्चों, विद्युत धारा को समझने से पहले हम थोड़ा सा आवेश की बात करेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश, बच्चों आपने देखा होगा, जैसे कि आप क्या करते हैं, मान लो कि स्केल है आपके पास और आपने सर में उसको स्केल को रगड़ा, और जब स्केल को रगड़ते हैं तो अगर छोटे छोटे कागज के आप टुकड़े ले लो और उसके पास उस पटरी को ले जाओगे, स्केल को ले जाओगे, तो वो कागज के टुकड़े उसको क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। मतलब कि उस पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। तो अगर हम किसी भी प्लास्टिक की छड़ को या तो फिर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। और बच्चों, ये आवेश जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है बच्चों ऋणात्मक आवेश। बच्चों, धनात्मक आवेश को हम प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बच्चों, आवेश के कुछ गुण होते हैं। बच्चों, पहला जो गुण है आवेश का, कि अगर हम दो समान आवेश को परस्पर पास ले आएंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चों। समान आवेश का मतलब क्या है? या तो हम दो आवेश लें और दोनों कैसा रहे? धनावेश रहे, या दो आवेश लें दोनों कैसा रहे? ऋणावेश रहे, ठीक है। तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बच्चों, प्रतिकर्षित करने का मतलब वो पास नहीं आने देंगे, ठीक है, वो दूर भागेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसका गुण है बच्चों आवेश का, वो ये है कि अगर हम असमान आवेश को परस्पर पास ले आते हैं तो क्या होगा बच्चों? वहां पे आकर्षण होता है। एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, असमान आवेश अगर रहेंगे तो वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये दो हमारे मुख्य गुण थे आवेशों के। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है हम उस पे चलते हैं। हमको क्या पढ़ना है बच्चों? विद्युत धारा। तो बच्चों विद्युत धारा क्या होती है? बच्चों सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि आवेश कितना तेज चल रहा है, मतलब कि कितनी चाल से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वही क्या है? विद्युत धारा है। या तो हम ये कह सकते हैं आवेश के चलने की दर क्या है, आवेश जो प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक में। अब आवेश किस में प्रवाहित होगा? चालक में, क्योंकि चालक में ही क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होता है। ठीक है बच्चों, तो आवेश के प्रवाह करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे या विद्युत धारा कहेंगे। अब प्रवाह करने की दर का मतलब क्या है? मतलब आवेश चल रहे हैं तो वो किस रेट से चल रहे हैं, किस दर से चल रहे हैं। दर से चलने का मतलब कितना तेज चल रहे हैं या फिर कितना स्लो चल रहे हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सामान्य परिभाषा है बच्चों, बहुत ही सरल परिभाषा है, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां पे ये भी कह सकते हो कि विद्युत आवेश कह सकते हो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, चाहे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों विद्युत धारा को हम किससे निरूपित करते हैं? बच्चों आई से निरूपित करते हैं। कई कई बुक्स में क्या होता है बच्चों की स्मॉल आई का प्रयोग करते हैं, तो स्मॉल आई भी प्रयोग कर सकते हैं, कैपिटल आई भी प्रयोग कर सकते हैं आप। बच्चों विद्युत धारा का सूत्र हम निकालते हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो मैंने परिभाषा लिखी है इसी परिभाषा से मैं विद्युत धारा का सूत्र भी निकालूंगा। ध्यान दीजिएगा आप कि विद्युत धारा क्या है, जो लिखा है क्या लिखा है कि आवेश के प्रवाह करने की दर, आवेश के प्रवाह करने की दर मतलब आवेश जो है बच्चों वो किस दर से प्रवाह कर रहा है। किस दर से प्रवाह करने का मतलब जहां भी दर की बात आए ना बच्चों वहां पे आप क्या करो? समय से भाग दे दो, जो भी है उसको समय से भाग दे दो। ठीक है, तो आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है वही क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। और अगर हम विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करें और आवेश को क्यू से प्रदर्शित करें तथा समय को टी से प्रदर्शित करें, तो यहां पे आई बराबर क्यू बाई टी मतलब कि क्यू बटे टी क्या हो जाएगा? ये हमारा विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बराबर क्यू बटे टी विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों। धारा का मात्रक क्या होता है? हम सभी यहां देख लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक का मतलब बच्चों ये कि धारा किसमें नापी जाती है। जैसे कि आप अगर दुकान पे गए चीनी लेना है तो क्या बोलते हो कि 2 लीटर चीनी दे दो? 2 लीटर कभी नहीं बोलोगे आप, बोलोगे 2 किलो चीनी दे दो, 100 ग्राम चीनी दे दो। ठीक है, तो वहां पे द्रव्यमान का मात्रक आप क्या करते हो? प्रयोग करते हो। तो यहां पे वैसे ही धारा का मात्रक होता है। बच्चों मात्रक कभी भी आप याद मत करिएगा। आपको अगर सूत्र पता है तो आप सूत्र से बहुत ही आसान तरीके से मात्रक निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र में जो भी भौतिक राशियां प्रयोग की गई हैं उनका मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो धारा का मात्रक हमको चाहिए विद्युत धारा का। तो हम यहां पे कौन कौन है, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों?
सेकेंड होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों यहां से, कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। और एक वैज्ञानिक आए एम्पियर साहब, और एम्पियर साहब ने क्या किया कि अपने नाम को ही विद्युत धारा का मात्रक बता दिया, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहेंगे, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बच्चों धारा को हम इससे छोटे मात्रक में भी नापते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये सभी इसके छोटे मात्रक हैं। एक मिली एम्पियर का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है, 10^-3 एम्पियर होता है। और बच्चों एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केवल ए लिख देंगे आप तो एम्पियर हो जाएगा। और एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10^-6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, धारा का मात्रक हो गया। बच्चों यहां पे एक प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यदि 5 कूलाम का आवेश किसी चालक में 10 मिनट तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान बताइए। यह सवाल हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि धारा का सूत्र आपको याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या दिया है बच्चों, क्यू का मान दिया है, मतलब आवेश दिया है कितना, 5 कूलाम का, ठीक है। बच्चों परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको यह लिखना है कि दिया है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है बच्चों, समय दिया है, मतलब टी दिया है हमारा कितना, 10 मिनट। समय कितना दिया है, 10 मिनट का। तो हमसे धारा का मान पूछ रहा है, प्रवाहित धारा का, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। I बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, अभी हमने बताया था Q/T, और Q मतलब क्या, आवेश। तो आवेश कितना है, 5 कूलाम का आवेश है, और समय कितना है, 10 मिनट है बच्चों। लेकिन यहां पे आप एक गलती मत करिएगा, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि 10 यहां पे रख देते हैं और इसको हल कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको कह देते हैं कि ये आंसर है। लेकिन बच्चों यहां पे जो समय दिया है उसका मात्रक आपको देखना है। समय हमने किस में बताया था, सेकेंड में बताया था। तो यहां पे इस मिनट को, 10 मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 10 मिनट को सेकेंड में कैसे बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 का यहां पे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2, ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 5 और ये 5 × 12 = 60 हो जाएगा, और ये 1 0। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, धारा जो आएगी बच्चों वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1/120 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो हमारे धारा का मान कितना आ रहा है, 1/120 एम्पियर आ रहा है। इसके बाद बच्चों हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ का मतलब यह होता है कि विद्युत धारा जिस रास्ते से बहती है, जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बहती है, उसी रास्ते को क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत परिपथ, ठीक है बच्चों। लेकिन एक छोटी सी यहां पे कंडीशन है बच्चों कि जो परिपथ होना चाहिए वो लगातार और बंद होना चाहिए, ठीक है। मतलब धारा के प्रवाहित करने का
जो परिपथ होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए और बंद होना चाहिए, कहीं से खुला ना रहे, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत धारा के प्रवाहित करने का लगातार और बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है बच्चों? विद्युत धारा के प्रवाहित करने का लगातार और बंद पथ, या सतत यहां पे लिख सकते हो, सतत और बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है बच्चों? मतलब धारा जिस रास्ते से बह रही है वो रास्ता बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, तो उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है बच्चों?